और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुभाषपा चीफ ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। ओपी राजभर ने राज्यसभा चुनावों को लेकर और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सियासी हालातों को लेकर बड़ी बात कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया है ओपी राजभर ने। ओपी राजभर ने कहा है, अखिलेश और स्वामी प्रसाद मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। सियासी ड्रामा उत्तर प्रदेश में चलता रहा है और सियासी ड्रामे के केंद्र में अब स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। मौर्य ने संगठन से इस्तीफा दिया, आखिर एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? अगर एमएलसी की कुर्सी से इस्तीफा देते तो तुरंत स्वीकार कर लिया जाता। मुसलमानों का वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी अभी और ड्रामे करेगी लोकसभा चुनाव से पहले, ये ओपी राजभर ने कहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के एमएलसी पद से इस्तीफा देते तो स्वीकार जरूर होता, ये ओपी राजभर ने कहा है। लेकिन उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी, सिर्फ सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के इशारे पर ही बयानबाजी कर रहे थे। किसी बयान पर अखिलेश यादव ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इससे साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर अखिलेश यादव की कौन सहमति थी। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को लेकर ये बड़ी बात ओपी राजभर ने कही है। ओपी राजभर जो पहले विधानसभा चुनावों के दौरान उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ ही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पाला बदला और अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन सुभाषपा है। और सुभाषपा चीफ ओपी राजभर ने अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल ही समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पार्टी में बने रहेंगे, पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते रहेंगे। एमएलसी की कुर्सी पर वो समाजवादी पार्टी की ओर से ही काबिज है। यही वजह है कि अब ओपी राजभर ने कहा है कि अगर उन्हें इस्तीफा देना ही था, समाजवादी पार्टी से उनका मोह भंग अगर हो ही रहा है, तो फिर एमएलसी की कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्यों वो विधान परिषद के सदस्य बने रहना चाहते हैं, जबकि पार्टी के महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव को लेकर भी ओपी राजभर ने निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव के इशारे पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम विवादित बयान देते रहे हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव और उनके बीच जो बॉन्डिंग है, जो खिचड़ी है, वो पहले से ही पकती रही है। अखिलेश और स्वामी प्रसाद मिलकर पूरा ड्रामा रचा रहे हैं, ये राजभर ने कहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मौर्य ने संगठन से इस्तीफा दिया, फिर एमएलसी पद से आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया है, ये सवाल ओपी राजभर ने उठाया है। कल ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने अपना पत्र लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को और साथ में ये भी कहा कि कार्यकर्ता के तौर पर वो पार्टी में बने रहेंगे। स्वामी सपा के एमएलसी पद से इस्तीफा देते तो तुरंत स्वीकार कर लिया जाता, ये दावा भी ओपी राजभर ने किया है। स्वामी अखिलेश यादव के इशारे पर बोल रहे थे, जो भी बयानबाजी वो कर रहे थे, तमाम विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से सामने आ चुके हैं। चाहे रामचरितमानस का विवाद हो या फिर राम मंदिर के मुद्दे पर उनकी बयानबाजी हो, सबके पीछे अखिलेश यादव की मौन सहमति थी, ये ओपी राजभर ने कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को लेकर ओपी राजभर का ये बयान अब सुर्खियों में है। लगातार इस पर भी चर्चाएं हो रही है। ओपी राजभर लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। पिछले दिनों अयोध्या भी वो पहुंचे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए थे।